अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर डे अनदर व्लॉग माय लाइफ कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करते हो कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे मज़े में होंगे मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में तो जनाब आज आप देख लें हर तरफ स्नो ही स्नो है जी जनाब फिर से स्नो हो रही है इस वक्त स्नो नहीं है लेकिन कल से स्नो स्टार्ट हुई हुई है और आज भी जब पूरा दिन स्नो रही है और कल की भी फोरकास्ट है कि स्नो होगी थोड़ी थोड़ी सारा दिन आ, तो मैंने सोचा कि चले आए स्नो साफ़ करते हैं आई मैंने ये स्नो थ्रो हम लोगों ने यूज़ करना था हम लोग तो खैर कर ही रहे थे लेकिन मुझे कुछ लोगों ने पूछा था कि गुल आपने दिखाया आपने बताया नहीं आप प्लीज़ दिखा दें कि ये कैसा वर्क करता है तो आपको मैं इसके फ़ायदे और नुकसान दोनों बताती हूँ फ़ायदा तो आपको नज़र आ रहा है कि इससे स्नो साफ़ करना ईजियर है आ, लेकिन ये ईज़ियर उन लोगों के लिए है जिन लोगों के गैराज के ऊपर अगर स्नो आती है और अगर आप उसके ऊपर कोई गाड़ी ड्राइव नहीं करते हैं तो और अगर आपकी गाड़ी के टायर्स के साथ स्नो प्रेस हो के हार्ड नहीं होती तो तो ये बहुत अच्छा साफ़ करती है ये मशीन लेकिन अगर जिस तरह आप हमारा ड्राइव भी देखे तो हम लोगों ने कल स्नो साफ़ नहीं की थी तो कल दो तीन दफ़ा गाड़ी घर से बाहर निकली फिर अंदर आई तो दो तीन दफ़ा जब गाड़ी उसके ऊपर हमने रख के चलाई तो उससे क्या हुआ कि सारी स्नो जो है वो प्रेस होगी जब वो प्रेस होती है तो वो इतनी हार्ड हो जाती है कि फिर वो स्नो ब्लोअर से या स्नो थ्रोअर से बिल्कुल भी हटती नहीं है स्नो थ्रोअर बहुत अच्छे वर्क करते हैं कि अगर आपके पास बिल्कुल फ्लफी स्नो है और आप उसके ऊपर एक स्टेप भी ना करें आप अपना गराज डोर खोलें अपना ब्लोअर निकालें या थ्रोअर निकालें और उसके साथ आप अपने स्नो को थ्रो कर दें तो बड़े अच्छे से साफ़ हो जाती है लेकिन चूँकि हमारे ऊपर से इस स्नो के ऊपर से काफ़ी दफ़ा कार गई और आई जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा सख्ती आ चुकी थी तो मैंने कहा चले फिर भी आपको दिखा देती हूँ इनका फ़ायदा तो बिल्कुल होता है ये जो स्नो अभी हम साफ़ करें जब हम इसको हम साफ करते थे अपने शॉवल के साथ तो आप यकीन करें आपकी बैक हर्ट करती थी उसका भी साफ़ करने का एक टेक्निक होती है तो अभी हमें वो टेक्निक का पता था कि उसकी ख़ास तरीके से अगर आप अपनी बॉडी को एक ख़ास तरीके से बेंड करते हैं तो आपकी बैक हर्ट नहीं करती अगर आप उसको सीधे तरीके से उसको आ, उठा लेंगे वेट को तो उससे आपकी बैक बहुत हर्ट करती है तो इसका ये फ़ायदा हो गया कि चलें ये बहुत बो, बो, ज़्यादा साफ ना सही बेशक वो स्नो सख्त होने की वजह से ज़्यादा साफ ना सही लेकिन जितनी शॉवल के साथ साफ़ होती है उससे ज़्यादा अच्छे इस तरीके से साफ़ कर देती है तो मैंने कहा आज आपको ये दिखाती हूँ और इसकी सबसे जो एक जो नेगेटिव पॉइंट है वो इसका बैटरी है क्योंकि ये बैटरी ऑपरेटेड है तो इसमें ये होता है कि आप गैराज मैंने जब लास्ट टाइम मैंने साफ़ किया था इसके साथ आए तो नवीद इंदजाना कर रहे हैं लास्ट टाइम मैंने साफ़ किया था तो क्या हुआ था कि जब मैंने अपना पूरा गराज साफ़ कर लिया अपना फ़्रंट वे साफ़ कर लिया जब मैं अपनी साइड वॉक साफ कर रही थी तो इसकी बैटरी ख़त्म हो गई थी लाइक इसकी बैटरी बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है अगर आप अपना ड्राइव वे साफ़ करते हैं टू टू थ्री कार का जो गैराज होता है तो उसके बाद इसकी बैटरी चली जाती है तो ये एक जो नेगेटिव पॉइंट मुझे इसमें लगा मैंने सोचा आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूं और कुछ लोगों ने बोला था कि आप प्लीज़ इसके प्राइस भी बता दें और आप बता दें आपने कहाँ से ख़रीदा तो मैं आपको बता देती हूँ ये हमने लिया था कॉस्को से एंड ये हमें मिला था हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया था सेवन नाइन्टी नाइन प्लस टैक्स लाइक आप कह लें एट हंड्रेड एंड फिफ्टी डॉलर का अराउंड ये था और अच्छा है लाइक कॉस्को की वारंटी अच्छी है इसलिए हम लोगों ने ले लिया हमने कहा चलिए पसंद नहीं आएगा तो हम वापस कर देंगे तो अभी इस साल तो वापस करने का बिल्कुल भी प्लान नहीं है क्योंकि नवीद मुझे कह रहे थे कि हो सकता है नेक्स्ट ईयर कुछ थोड़ा ज़्यादा ट्रांगर वाला ले लें जो ज़्यादा अच्छे से काम करे तो देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते लेकिन अभी के लिए ये इतना अच्छा है कि हमारा गुजारा कर रहा है सारी स्नो हम लोगों ने साफ़ की तो अब अगर आप देखें तो जो नीचे आइस जमी हुई है ना वो द जाना स्क्रेपर से स्क्रेप कर रहा है उसको ब्रेक करना पड़ता है वो इतने बड़े बड़े पीसीज हो जाते हैं कि उनको साफ़ करना बड़ा मुश्किल होता है ये इतना हैवी काम है ये मुझसे नहीं होता ये मर्द आते करते हैं वरना स्नो वगैरह तो शॉल में भी करती हूँ लेकिन जब ये काम करना होता है तो ये मोस्टली नवीद और द ही करते हैं तो ये जनाब ये जो ज़िंदगी है ना ये स्नो के साथ इतनी आसान नहीं है लेकिन लकी ली अच्छा अच्छी बात ये थी कि आज और कल में भी इवन बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं थी लाइक जो टेम्परेचर था वो इतना वेरेबल है कि अगर आप बाहर सारा काम कर रहे हैं क्लिनिंग कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लगता कि आप फ्रीज़ हो रहे हैं तो अगर आप अभी देखें हम लोगों ने कितने अच्छे से ड्राइव को साफ़ कर दिया पहले हमने स्नो ब्लोअर से क्लीन किया उसके बाद हमने उसको स्क्रेपर से स्क्रेब किया उसके बाद ऊपर से फिर हम एक दफ़ा इसको हम लोगों ने कहा कि चलें ऊपर इसके एक दफ़ा फिर हम ब्लोअर के साथ उस क्लीन करते हैं ताकि अच्छे से सब चीजें क्लीन हो जाएं और साफ सुथरा जो आपका है ना निकल आए आपका हाँ जी मैं आपको दिखाऊं बेचारे लोग कितनी इसका पैकेज आ आ गया हमें गई थी -मेल। so cool. वो वो और इतनी ठंड में देखेजो इनसाइड चलो खोल देखें

पैकेजेस खुल रहे हैं बैबरस और जिब्राइल दोनों ये बैबरस को ना होता है ये दोनों बहनें मिलके खोलती हैं पैकेजेस जिब्राइल पुत्र ध्यान नाल बॉक्स ना कट दे भी नाल ही हाँ हाँ कोई नहीं कोई नहीं खोल ले खोल ले खोल ले फिंगर का ध्यान रख बस फिंगर कट ना हो जाए मदद चाहिए बैबरस बाजी आखो मदद करे तेरी दे दे बैबरस बाजी बैबरस बाजी ले लो बेटा चलो जी ये पैकेज खुल रहा है ये दो दिन पहले हमने ऑर्डर किया था एमेजोन प्राइम पे और बस ये आ गया हमारा दे यू गो बॉक्स है ना बॉक्स यस चलो बैबरस वे के टेप लगी oh, मैं oh, है मैं खोलना है नो no, मैं कर देना भी <laughs> ये हम लोग स्टोर में गए और जिब्राइल को ये नहीं मिला फाइनली फिर हम लोगों को Amazon पे मिल गया yeah. तो हमने इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था थ्री है ना जिब्राहिम दिखाओ जरा की है ना? एक, yeah, एक तो लोयल है ये और तीन इसने मंगवाए हैं चलो वन बाय वन खोल लो you know right? जी। की ना मिनी पैक्स है ना यस जिब्राहल एक बेबरस बाजी खोले कि तू खोल लेते रहे बैबर्स बेटा खल्ले बैठ जाना बेटा मैं कैप्चर नहीं कर सकती तीनों फिर कोई नहीं कर लो हाय हर जगह बनी होंगी बैबर्स बेटा हाँ तो नहीं होता पिया आई थिंक यू नीड नेल्स दे मेरे अ नेल्स बर्थडे चलो खोले हैं मेरे सामने ठीक है और ये बैबर्स बैठ है और वो जिब्रा अच्छा जब भी कोई चीज आती है ना घर में सन्नाटा छा जाता है खामोशी क्वाइट हो जाते हैं सारे okay. ध्यान खोली ओके okay. ओके oh, oh, oh. okay, इन गार्बेज awesome. okay. yeah. में एक साइड करो गार्बेज एक साइड पे कर देना पुत्र चीजा मिक्स हो जाए चलो जी ये निकला इसके अंदर से

Garbage is over there. Okay, now. Oh, you have a chain thing. What even is this? Oh yeah, the chain thing. Okay, so. What is this stuff? Wow. Miko, why are you putting the garbage here? This is my garbage. Oh, I saw it. Mommy, do you think he's a legend? Choti thi zan achi hai. Yeah. It's, It's it. Babu sir, di door te doni knock on da pe ki ho shovel karte paro di aawaz hai. Check. Miko, can you check?

ਹਾਂ ਕਿਊਟ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਰਥਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵੈਲਕਮ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪੁੱਤਰ ਆ ਜਾ ਲੋਕ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾ ਸਪਲਿਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਸਪਲਿਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਧਰ ਬੈਕ ਐ ਕੀ ਹੈ ਬੈਬਰੇਜ ਬ੍ਰਾਈ ਮਿਗੈਲ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਨਾ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਤੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤਨੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਲੈ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਖੋਲਦਾ ਕੀ ਪਿਆ

हा बड़ा इजी है घंटा करने में बहुत इजी इजी चलो तीसरे वाला कि हाँ सारी चीजें मिच रखो फिर मैं भी सारा चाह के पैक दे पा हाँ

अब आपने देख ली जिब्राइल की टॉयज़ की अनबॉक्सिंग जिब्राइल को ये टॉयज़ चाहिए थे मैं इसको लेके गई थी लास्ट वीकेंड पे दो तीन स्टोर्स पे लेके गई टॉयज आराज पे हम गए थे वॉलमार्ट गए थे और हम कहाँ गए थे एक एक आधोर स्टोर पे हम गए हमें ये मिला नहीं था तो मुझे जिब्राइल को चेहरे से लगा तो बड़ी डिसअपॉइंटेड थी फिर मुझे आइडिया आया कि आजकल तो दुनिया की हर चीज़ अमेजन पे मिलती है क्यों ना ट्राई किया जाए मैंने स्टोर में ही खड़े खड़े देखा तो जिब्राइल को नजर आ गए जिब्राइल कहती थी माँ यही ऑर्डर कर दे तो देखिए मैंने ऑर्डर किया विद इन एट आवर्स वो हमारे घर डिलीवर हो गए तो ये जो इसने जो ऑनलाइन शॉपिंग ने ना ज़िंदगी बड़ी आसान कर दी है बस एक होता है कि जब कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती फिर उसको रिटर्न करना मुश्किल लगता है अदरवाइज़ जो चीज़ें आ जाती हैं ना तो फिर उसका मज़ा आता है कि ठीक है वो चीज़ आ गई जल्दी से और आप वो लें और उसको आप यूज़ कर सकते हैं तो बस जनाब अभी अब टाइम हो गया था हमारे डिनर का तो आज मैंने सोचा बच्चों के लिए बनाते हैं जी हम आ, पफ पेस्ट्री में बना रही हूँ कीमे वाले पैटीज़ हम लोग बना रहे हैं मेरे बच्चों को ये बड़े ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो वीकेंड नॉर्मली ऐसी चीज़ें मैं वीकेंड पर बनाती हूँ लेकिन चूँकि बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं तो वीक डेज़ भी वीकेंड ही होते हैं तो बस ना अभी हम लोग ये बनाएंगे तैयार करेंगे इसके बाद हम इसको खाएंगे क्योंकि अभी ईद जाना है नवी चले गए थे प्ले करने के लिए वो क्लब गए हुए हैं जब वो क्लब से वापस आएंगे तो फिर हम लोग ये खा लेंगे लेकिन इन बिटवीन मैंने छोटे बच्चों को बोला अगर वो चाहते हैं तो खा लेंगे क्योंकि जितने ताज़ा होते हैं उतने ही अच्छे लगते हैं तो बस आप इस तरीके से आज मैंने आपको आपने पूरा दिन दिखाया मैंने आपको दिखाया कि जब फिर से स्नो हुई और मैंने स्नो को कैसे क्लीन किया क्योंकि आपको ये वीडियोज़ अच्छी लगती हैं आपको स्नो को देखना स्नो को साफ करना स्नो के अंदर चलना फिरना वो जो जिस वीडियो में मैं दिखाती हूँ आपको अच्छी लगती हैं तो उम्मीद करती हूँ कि आपने वो भी इंजॉय किया होगा जबराइली की और बच्चों की पंजाबी आपने इन्जॉय की होगी तो मुझे मेरी कोशिश होती है कि मैं जब भी बच्चों के साथ बैठूँ वो पंजाबी बोलें बहुत लोग कहते हैं बैबरस पंजाबी क्यों नहीं बोलती तो बैबरस बहुत अच्छी पंजाबी बोलती है लेकिन वो कैमरा के आगे या वो लोगों से कम बोलती है उसको सारी समझ आती है लेकिन वो अपनी नानों के साथ पूरी पंजाबी में हमारी तरह से बात करती है लेकिन उसको अच्छा नहीं लगता कि मैं आ, कि वो कैमरा के आगे आके पंजाबी बोले तो इसलिए वो बोलती नहीं है लेकिन छोटे बच्चे बोलते हैं आपने एंजॉय भी किया होगा तो चलें जनाब हमारा ये था आज का व्लॉग उम्मीद करते हैं आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो कल दोबारा से वापस आइएगा हमारे चैनल पे क्योंकि हम लेके आते हैं रोज़ नए व्लॉग्स फैमिली के साथ और आजकल तो ऑलमोस्ट सारे ही फैमिली के साथ आ रहे हैं क्योंकि बच्चे घर पे हैं तो जो चीज़ भी हो रही है वो बच्चों के साथ ही हो रही होती है आ, हम लोग खूब इंजॉय कर रहे हैं अपने हॉलीडेज़ को मज़ा आ रहा है बच्चों के साथ हस्बैंड के साथ जब एक ख़ास रूटीन नहीं ना होता तो कभी कभी आपको रूटीन से हट के चीज़ें करना बड़ा अच्छा लगता है तो आजकल बस हमारा वही टाइम चल रहा है और इसी तरीके से आप लोग व्लॉग देखते रहें मुझे आइडियाज़ भी देते रहें कि आपको किन टॉपिक्स में व्लॉग्स अच्छे लगते हैं मैं वो ज़रूर बनाऊँगी तो बस आप ले लूँगी आपसे इजाज़त मिलूंगी कल आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक नए ब्लॉग के साथ तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल मुझे रखिएगा अपनी दुआ में यार टेक केयर जी अल्लाह हाफिज़